सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं जटेला धाम। ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आता है और यहाँ पर जो उत्तम दवाई जो हनुमान लक्ष्मण के लिए लिया था वो दवाई यहाँ दी जाती है। आइए आपको इस आश्रम की सैर कराते, देखिए कितने भगत यहाँ फेरी पर फेरी लगाई हुए हैं और ये पूरी परिक्रमा इस आश्रम की लगाते भगत। मेरे पीछे देखिए कितनी महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। इसमें महिला भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सर्जीवन बूटी है, ये बहुत ही बढ़िया बूटी। अति देखिए एक तरफ महिला ले रही है, एक तरफ देखिए कितनी संख्या में महिला भी बढ़ चढ़ के इस सेवा में लगे हुए हैं। ये अति सुंदर बूटी है। मैं तो ये कहूँगा स्वामी नित्यानंद महाराज ये पहाड़ों से लाए थे, इसमें लाखों जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। बस देखिए महिला भी काफ़ी अपने नंबर की इंतज़ार करते हुए एक 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 यहाँ बहुत ही अनुशासन से काम हो रहा है। भीड़ काफ़ी है और लोग परेशान हैं। रात्रि का टाइम है, लगभग 3 के करीब टाइम हो गया है। लगभग 12-13 हज़ार के लगभग महिला और पुरुष से और इस बूटी के लिए एक साल तक इंतज़ार में रहते हैं। थोड़ा इसकी तरफ देखिए, हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हैं जो यहाँ पूजा पाठ के लिए आती है। बहन जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो आप? हम इसी गांव से हैं, माजरा से। माजरा से। तो ये मेला जो है आए साल लगता है? हाँ जी, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं लगा। अच्छा, अगले कई सालों से लग रहा है। और इस मेले की उत्तम बात बताओ, कोई विशेष बात? इसमें यहाँ दवाई दी जाती है। हाँ जी। दमा और नज़ले की। हाँ जी। एलर्जी की। हाँ जी। उससे काफ़ी लोग ठीक भी हो चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, लोगों की काफ़ी भावना बढ़ चुकी है यहाँ। और ये किसका आश्रम है? ये नित्यानंद महाराज जी का। नित्यानंद महाराज का। हाँ जी। तो पूरा गांव मानता है इसको? हाँ जी, गांव मानता है पूरा, बाहर के भी सारे गांव भी बहुत दूर दूर से भी आदमी आते हैं, पूरा गांव मानता है। धन्यवाद जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? इसको चीना बास सिवाना बगोवा ठीठ में लखपर सब मानता है इसकी, यहाँ बहुत आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से हो आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो? हाँ जी। तो आप पूजा पाठ के लिए आए हो या दवाई के लिए? दवाई के लिए। दवाई के लिए, दवाई के लिए। हाँ जी। दवाई भी ले लोगे, पूजा पाठ भी? हाँ जी। ठीक है, बने रहिए और भगवान आपके पूरा आराम करेगा। धन्यवाद। मान करके स्वामी दयानंद जी की बात मान करके, स्वामी विवेकानंद जी की बात मान के, रामकृष्ण तीर्थ की बात मान के, गीता जी और रामायण की बात मान करके, चार वेदों की बात मान के, उपनिषदों की बात मान करके, संतों की बात मान करके, भक्तों की बात मान करके, सुलझेड़ा खड़े बांध कमर पे होकर तकड़ा, कुटुंब कबीला चौकस पकड़ा, अहंकार में फिर ताकड़ा, तेरी सच्ची कहा जुबान है करना चाहिए। वास्तव में कौन सा है दशांश? धन का। देखिए अभी कुछ ही देर में महाराज बूटी बाट महाराज की संत महापुरुषों की श्रद्धालु यहाँ बूटी देने लगे हैं। मैं तो नुकूंगा
कि ये सरजीवन बूटी है, नित्यानंद महाराज की बहुत ही बढ़िया ये बूटी है, नज़ला जुकाम खांसी के लिए और इससे कैंसर भी खत्म होती है, उत्तम दवा है ये। देखिए ये दवाई पीने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ फ्री लगानी होती है और पसीना निकालना होता है, बहुत ही बढ़िया दवाई ली है और ये दवाई भी तब आराम करती है जब भगत अपना पसीना निकालते हैं। देखिए इसमें बच्चे बूढ़े सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और ये बहुत ही उत्तम दवाई है। देखिए कितने श्रद्धालु इस नित्यानंद महाराज आश्रम की फेरी लगा रहे हैं, बच्चों पर बच्चे, बड़ों पर बड़े, छोटे पर छोटे और महिला के साथ महिला कंधे से कंधे मिलाकर फेरी लगाते हुए। ये यात्रा ऐसी लग रही है जैसे महिला बच्चे किसी रैली में भाग ले रहे हो, ये साल में एक बार ही मौका मिलता है। देखिए कितने श्रद्धालु इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। गड़े हो आप? महिलाओं का कितना गंद सलाब फैला हुआ है, काफ़ी महिला के साथ महिला, पुरुष के साथ पुरुष और बच्चे भी बूढ़े भी जवान भी इस रेस में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते, तब तक ये रेस नहीं करेंगे तो ये दवाई नहीं लगेगी और ये दवाई लेने के बाद पसीना निकालना अति जरूरी है। दोस्तों ये देखा है हमने आश्रम की परिक्रमा, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरा टीवी के साथ ऋषि पार दून चटला धाम। जय हिंद।